हे एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर वन चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। ज्यादा स्टैंड आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 यानी एनुअल एग्जाम के लिए हिस्ट्री का मॉडल पेपर कवर करेंगे जो बिहार बोर्ड के बेस्ट पर आधारित है। आपको बता दें ये सेट टू आज हम लोग कवर करेंगे। सेट वन आप लोग देख चुके हैं बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर, सेम उसी पर। और आपको बता दें ये मॉडल सेट आप अगर पूरी तरह से यानी सॉल्व कर लेते हैं, यानी सॉल्व अगर पूरी तरह से अगर आप इसको कर लेते हैं तो 100% आप यानी बोर्ड एग्जाम में आपका 90+ ही आएगा अगर आप इस मॉडल सेट को अगर पूरी तरह से कंप्लीटली कवर कर लेते हैं। तो ये आपके लिए आज का चैलेंज है और आपको बताना है कि आप यानी अपने से यानी कितने सारे क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाते हैं। अगर 100 में 100 सॉल्व कर पाते हैं तो और भी आपके लिए बेहतर है कि आपको और बिल्कुल निश्चिंत रह जाना है कि आप यानी हिस्ट्री में और भी आपको सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत है और आपको पढ़ने की जरूरत है अगर आप इस 100 में 100 अगर सॉल्व कर देते हैं। तो चले गाइस तो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ में आपको बता दें ये जितने सारे इसमें क्वेश्चन है सभी यानी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई शिक्षक मिलकर के ऐसे प्रश्नों को यानी तैयार किए हैं खास करके 2022 के फाइनल एग्जाम के लिए। तो चले गाइस सो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, क्या कहलाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। पहला आपका लोह युग है, कांस्य युग है, ए और बी दोनों हो गया, इनमें से कोई नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन मॉडल पेपर टू का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो इसका आंसर आपका हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग का है यानी कांस्य युग का है, नहीं इसका आंसर आपका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। पहला सिंधु है, दूसरा व्यास, तीसरा सतलज, चौथा आपका रावी। तो आपको पता ही होगा हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में। तो आपको पता होगा लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। और इस तरह का एक क्वेश्चन आता है जो कालीबंगान के बारे में कभी कभी आपको पूछता है, लेकिन कालीबंगान कोई बच्चा राजस्थान गुजरात कर देता है, ये कालीबंगान जो होगा आपका यानी राजस्थान में होगा। ठीक है, तो आप लोग कभी भी कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, लोथल अगर पूछे तो गुजरात और कालीबंगान पूछे तो राजस्थान। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर आ गया, ध्यान से देखिएगा। चौथा नंबर सवाल, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। पहला दयाराम साहनी, दूसरा जॉन मार्शल, तीसरा आर डी बनर्जी, चौथा आपका आर एस विस्ट। तो आपको पता होगा मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो कराया था वो किसके द्वारा किया गया था, यानी आर डी बनर्जी के द्वारा किया गया था, यानी राखल दास बनर्जी। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, इंडिका के लेखक कौन है। पहला आपका कौटिल्य, मैगस्थनीज है, अलबेरूनी है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा यानी इंडिका के लेखक जो है वो है मैगस्थनीज है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को, या आपका कुमारगुप्त। जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो गुप्त वंश के जो शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यानी समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा चंद्रगुप्त दो, अशोक, या आपका कनिष्क। तो बताइए सात नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। तो प्राचीन भारत में जब धर्म की शुरुआत जो किया गया था वो अशोक के द्वारा किया गया था, नहीं इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपको जैसे बताया होगा ये क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीट भी करा चुके हैं और बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा। तो इसका जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी आठ प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया, लेकिन आठों प्रकार का विवाह का आपको नाम कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए नौ नंबर सवाल बताइएगा, महाभारत का युद्ध यानी कितने दिनों तक चला था। 15 दिनों तक, 16 दिनों तक, 17 दिनों तक, 18 दिनों तक। तो आपको पता होगा कि महाभारत का युद्ध यानी 18 दिनों तक चला था कुरुक्षेत्र के मैदान में। कहाँ, यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में। चलिए आपको बताइए होगा इसका आंसर आपका 18 दिन, ऑप्शन बी डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। पहला शांतनु, दूसरा भीष्म, दुर्योधन, या आपका शकुनी। तो बताइए 10 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से जो जाना जाता है वो भीष्म को जाना जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध यानी किस धर्म से है। पहला आपका हिंदू, बौद्ध, शैव, जैन। तो आपको पता ही होगा इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जैन धर्म, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। तो चौथी बौद्ध परिषद जो हुआ था वो कनिष्क काल में हुआ था, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। दीन ए इलाही संबंधित है बाबर से, हुमायूं से, अकबर से, या औरंगजेब से। तो दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है क्योंकि अकबर जी ने 1581 में ये धर्म चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर आ गया, ध्यान से देखिएगा। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। पहला शाहजहाँ, दूसरा मोहम्मद शाह, तीसरा औरंगजेब, चौथा बहादुर शाह जफर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बहादुर शाह जफर। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। जजिया किससे लिया जाता था। पहला व्यापारी से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से, आपका जिम्मियों से।
तो आपको बता होगा जजिया जो लिया जाता था वो जिम्मियों से लिया जाता था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। किताबुल रिहाला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? अलबेरूनी, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता या आपका बर्नियर? तो किताबुल रिहाला में जो मिलता है इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। किताबुल रिहाला में किसका होगा, अलबेरूनी या इब्न बतूता? इन चारों में से इसका, इन दोनों में से राइट ऑप्शन आपको बताना कमेंट सेक्शन में। चलिए ठीक है, 17 नंबर सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आ गया है। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? जहांगीर ने, शाहजहां, बाबर या औरंगजेब? अकबर। तो बताइए 17 का आंसर क्या होगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम जो किया गया था वो अकबर के द्वारा किया गया था, इस पर और जहांगीर जो इसमें प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अलबेरूनी किसके साथ भारत आया था? तैमूर के साथ, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी या मोहम्मद बिन कासिम? तो आपको पता होगा अलबेरूनी जो है किसके साथ भारत आया था, ये मोहम्मद गजनी के साथ आया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। प्रसिद्ध यानी विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में है, बेलूर में, चिदम्बरम या आपका सिरंगम में? तो बताइए 19 का आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपका एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हम्पी, विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हम्पी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर। 20 नंबर सवाल एंगर व्यवस्था संबंधित था? मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से या आप देखिएगा बहमनी साम्राज्य से या दिल्ली साम्राज्य से? तो आपको पता होगा यानी एंगर व्यवस्था संबंधित जो था वो विजयनगर साम्राज्य से था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय, अच्युतदेव राय या आपका सदाशिव राय? तो विजयनगर का महानतम शासक जो था वो कृष्णदेव राय था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। कबीर के शिष्य कौन थे? राजानुज थे, गुरु नानक तमरन थे, आपका शंकराचार्य थे? तो बताइए 22 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। तो कबीर के जो शिष्य थे वो कौन थे, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी रामानंद, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ यानी किस संत ने किया था? रामानंद ने, कबीर ने, चैतन्य या गुरु नानक ने? तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था वो रामानंद ने किया था, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? निकोला कोंटी था, अब्दुल रज्जाक था, अब्दुलवासी निकेतन था या डेमगोस पोइस था? तो सर्वप्रथम जो आया था वो निकोला कोंटी आया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? कबीर का है, गुरु नानक का है, चैतन्य का है, रामानंद का है? तो बताइए 25 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। तो बीजक में जो किसका उपदेश संग्रहित है तो वह यानी कबीर का, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? पहला चिश्ती, दूसरा सुहरावर्दी, तीसरा कादरी, चौथा इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 26 का आंसर क्या होगा। तो निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, आपको पता होगा इसका आंसर हो जाएगा आपका चिश्ती, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तहकीक ए हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? तहकीक ए हिंद जो है किसका यात्रा वृत्तांत है? पहला आपके सामने अलबेरूनी है, दूसरा अब्दुल रज्जाक, फहान, मार्क फोलो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके लिए चैलेंजिंग है। इसका आंसर आप कौन बच्चे बताते हैं कमेंट सेक्शन में फटाफट आप लोग बताइएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन आपको बताना है। मैगस्थनीस कौन था? यात्री था, व्यापारी था, राजदूत था या गुलाम था? तो मैगस्थनीस जो था यानी वो राजदूत था, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन? तो आपको पता होगा इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। प्रथम भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली थे, ब्रिटिश थे, डच थे, आपका फ्रांसीसी थे? तो बताइए 30 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन जो था वो यानी पुर्तगाली था, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यूरोपियन कौन था यानी पुर्तगाली था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1785, 1773, 1774, 1774? तो बताइए कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना किया गया था वो 1773 में किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 या 1509? तो आपको पता होगा पुर्तगाली ने जो गोवा पर अधिकार किया था वो 1510 में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1832 में, 1841 में, 1851 में, 1855 में? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था आपको पता होगा संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, संथाल विद्रोह आपका जो हुआ था कब हुआ था यानी 1855 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। दामिन ई कू क्या था? भूभाग था, उपाधि था, तलवार था या इनमें से कोई नहीं था? तो दामिन ऊ क्यू क्या था इसके बारे में आपको पता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा यानी भूभाग, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व यानी किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत मल, वीर कुंवर सिंह, नाना साहेब? तो बताइए 35 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत मल किया था, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए 36 नंबर सवाल देखिएगा। 18 सुल्तान के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड बैटिंग था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड डलोजी था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 37 नंबर सवाल देखिएगा। वैबगत के सिद्धांत का संबंध था, कर्जन से था, डलोजी से था, लिटन से था, या आपका मिंटो से था? तो वैबगत के सिद्धांत का जो संबंध था वो आपको पता ही होगा, यानी डलोजी से था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 38 नंबर सवाल देखिएगा। हिस्टोरिया टर्मिनल्स की शैली की इमारत है, पहला नवशास्त्रीय शैली, नव गौथिक शैली, इंडो रासायनिक शैली, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 38 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। हिस्टोरिया टर्मिनल्स जो है किस शैली की इमारत है, इसका आंसर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन बताना है। देखिए इसका आंसर आप लोग दे पाते कि नहीं पाते। ठीक है, चलिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, 1910 में, 1911 में, 1910 में, या 1914 में? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो आप लोगों को पता होगा जो कलकत्ता से दिल्ली जो स्थानांतरित किया था, और गेटवे ऑफ इंडिया एक ही अर्थ में बना था, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया भी बना था और दिल्ली राजधानी बना था 1911 में ही। ठीक है, भारत ये कोलकाता से। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया, 40 नंबर सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ था, यानी डांडी मार्च से जो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? 40 नंबर सवाल का बताइए ना आपको। पहला आपका दिया हुआ स्वदेशी आंदोलन, सविनय आंदोलन, अशोक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो है सविनय जो डांडी मार्च से जो शुरू हुआ था वो सविनय आंदोलन शुरू हुआ था, जो 1930 में हुआ था। ये भी चीज़ तो आपको पता होगा कि 1930 में आंदोलन हुआ था। ठीक है, चलिए ये 1930 में हुआ था। और एक चीज़ और बता दें कि ये स्वदेशी आंदोलन 1923 में हुआ था, ये भी आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद अशोक आंदोलन तो 1920 में हुआ ही है, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ, तो ये भी आपको पता ही होगा। ठीक है, तो सभी आंदोलन का आपको यानी काल को याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछता ही है। चलिए दो तीन सवाल यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी फटाफट बताएंगे आप लोग। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन जो शुरू किया था वो चंपारण से शुरू किया गया था, अपना बिहार के चंपारण जिला से। ठीक है, और ये 1917 में शुरू किया था, कब किया था? 1917 में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अशोक आंदोलन कब आरंभ हुआ था, 1916, 1920, 1922, 1930? तो अभी आपको बताएं अशोक आंदोलन के बारे में, कि 1920 में हुआ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1925, 1928, 1932, या 1935? तो सबको पता है कि साइमन कमीशन जो आया था वो 1928 को आया था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 1919 के अधिनियम को कहा जाता है, रॉलेट एक्ट कहा जाता है, मार्लो मिंटो सुधार एक्ट, मॉन्टी ह्यूग चेंसफोर्ड सुधार एक्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो 1919 के अधिनियम को जो कहा जाता है वो रॉलेट एक्ट कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919, 6 मार्च 1919, 30 अप्रैल 1919? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कब हुआ था? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा। इन तीनों में से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे आपको बता दें, अमृतसर, और अमृतसर कहाँ पे, यानी पंजाब में है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी, 1905, 1906, 1911, 1914? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था ये कब हुआ था, इसके बारे में आपको पता ही होगा, यानी बंगाल विभाजन 1905 को हुआ था, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पाकिस्तान शब्द यानी किसने दिया था, जिन्ना ने दिया था, लियाकत अली ने दिया था, चौधरी रहमत अली, या इकबाल ने? तो पाकिस्तान शब्द जो है किसने दिया था, ये चौधरी रहमत अली, जो कहाँ के यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे। ठीक है, और इसी के द्वारा जो है पाकिस्तान शब्द का यानी दिया गया था नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, अरुण आसिफ अली? तो पहले इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी एनी बेसेंट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, या 26 जनवरी 1950? तो भारतीय संविधान जो लागू किया गया था ये 26 जनवरी यानी 1950 को यानी लागू किया गया था, इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर आ गया है, 50 नंबर सवाल, स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बीआर अंबेडकर? तो आपको पूछा गया राष्ट्रपति के बारे में, तो भारत का स्वतंत्र भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति था वह यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और आपको बता दें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू था प्रथम प्रधानमंत्री था, बीआर अंबेडकर आपका क्या था, यानी पता ही होगा आपको, प्रारंभ समिति का अध्यक्ष था। ठीक है, और जिसे संविधान का पिता भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग 85 क्वेश्चन को यानी कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है, और वीडियो लॉन्ग होने से आप भी
आपको भी थोड़ा सा ये बोर फील होगा, तो इसीलिए यहीं तक हम लोग यानी क्लास को एंड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में आगे के सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चले गाइस यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद भारत। और एक आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जो बच्चे अभी तक शेयर नहीं किए अपने दोस्तों में, शेयर कर देंगे और आप लोग फटाफट लाइक कर देंगे। चलिए यहीं तक आज का क्लास एंड करते हैं, जय हिंद भारत।